वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ नेशन स्टेट के आने से, भारत और वियतनाम और दूसरे कॉलोनियल रूल के दौरान आने वाले कंट्रीज़ में मॉडर्न नेशनलिज्म का जो राइज था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान हुआ था। वियतनाम का एग्ज़ाम्पल हमने पीछे नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इन इंडो चाइना वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया। तो ये जो स्ट्रगल था डाइवर्स ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा किया गया था और किस तरह से वो एक दूसरे को अपने आप से जोड़कर देखने लगे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इंडिया के केस में। तो जैसे कि हमारे आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग थे, लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट रिलीजन्स थे, तो किस तरह से लोग आगे आए और किस तरह से लोगों ने एक कलेक्टिव यूनिट के रूप में काम किया और जो कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान जो है सक्सेस हासिल की, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। 1919 में हमने देखा किस तरह से नेशनल मूवमेंट प्रोग्रेस कर रहा था। इसकी डेवलपमेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया था, बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिसके कारण बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था जिसको लोन के द्वारा पूरा किया जाना था और इस लोन को चुकाने के लिए टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई थी। वॉर के दौरान प्राइसेस बढ़ गए थे जिसका असर आम लोगों के ऊपर पड़ा। गांवों से सोल्जर्स की फोर्स रिक्रूटमेंट में ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जाने लगा जिससे वहां तनाव बढ़ गया। 1918-19 में बहुत से हिस्सों में फसलें ख़राब होने से भोजन की शॉर्टेज होने लगी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इसके बाद फैलने लगा। 1921 के सेंसिस के अनुसार लगभग 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से मर गए। नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, जहाँ पे मीन साउथ अफ्रीका में जहाँ पे उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेसिस्ट रेजाइम की पॉलिसी के रेसिस्ट जो रेसिज्म रेसिज्म पॉलिसी थी उसके ख़िलाफ़ एक मार्च एजिटेशन किया था जिसका उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर आधारित था। इसके अनुसार यदि कारण सत्य है और यदि स्ट्रगल अनजस्टिस के खिलाफ है तब किसी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। बिना प्रतिशोध और बिना हिंसा के सत्याग्रही ऑपरेशन से जंग जी सकता है। वो लोग जो ऑपरेशन हैं उनको अपनी बात को समझाकर मनाया जा सकता है बजाय कि हिंसा का प्रयोग कर फोर्सफुली सच मानने पर मजबूर किया जाए। भारत में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने हर जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। 1916 में वह चंपारण गए ताकि वहां के किसानों को प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ अपने आंदोलन में शामिल कर सकें। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को की सपोर्ट से उन्होंने मूवमेंट चलाया। 1917 में फसल के ना होने से प्लेग के फैलने से खेड़ा के किसान रेवेन्यू नहीं दे पाए थे और डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू पर छूट दी जाए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रोलेट एक्ट। सत्याग्रह मूवमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में इस सत्याग्रह मूवमेंट को लाने का प्रयास किया। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया को दबाया जा सकता था और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर मीन्स राजनीतिक बंदी को 2 साल के लिए नज़रबंद किया जा सकता था बिना किसी मुकदमे के। इस एक्ट को इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया था। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल से होने वाली हड़ताल से हुई। बहुत से शहरों में जुलूस निकाले गए, वर्कर जो कि रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट को रोकने की कोशिश की।
अमृतसर के लोकल लीडर्स को पकड़ लिया गया और महात्मा गांधी के दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन पर गोलियां चला दी, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल अमृतसर में और जनरल डायर को इसकी कमांड दी गई। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग एक ऐसा मसाकर था, एक हत्याकांड था वो हुआ। उस दिन भारी संख्या में वहाँ लोग मौजूद थे। कुछ गवर्नमेंट की जातियों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, दूसरे बैसाखी के सालाना मेले में भाग लेने आए थे। बहुत से गांव के लोगों को शहर में लगे मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। जैसे ही डायर सैनिक टुकड़ी के साथ वहाँ आया और पूरे एरिया को घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिससे कई सौ लोग मारे गए। उसका इरादा सत्याग्रहियों के मन में भय पैदा करना था। जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड की खबर फैली, भीड़ सड़कों पर आ गई, हड़तालें हुई, पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमले शुरू हो गए। गवर्नमेंट ने इसको सख्ती से ले लिया। लोगों को उकसाने के कारण सत्याग्रहियों को नाक रगड़ने और सड़क पर रेंगने पर मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े से मारा गया। बढ़ती हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। रोलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन फिर भी ये कुछ शहरों या कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने अब एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत महसूस की, लेकिन उनको पता था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटीज़ को एक नहीं कर लिया जाता तब तक ये पॉसिबल नहीं था। इसके करने का एक ही तरीका था, वो था खिलाफत इशू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ओटोमन एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा हरा दिया गया था। इस तरह की अफवाहें थी कि ओटोमन किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें रखी गई थी, जो कि एक खलीफा था, मींस एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल हेड था जो कि सबसे ऊपर था। खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए मुंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनी। उसमें कुछ जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे कि दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ने मिलकर विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस मूवमेंट को अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ संयुक्त रूप से किया और अंत में 1920 में खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट कलेक्टिवली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में शुरू हुए। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।